मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, डीके शिवकुमार जी, सिद्धरमैया जी, बीके हरिप्रसाद जी, के एच मुनियप्पा जी, बीके श्रीनिवास जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, कर्नाटका के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज मैं शुरुआत में, मीटिंग के शुरुआत में, कर्नाटका की जनता से सीधी बात करना चाहता हूं। सवाल यह है कि जब यहां कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटका के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए क्या करेगी? हिमाचल में चुनाव हुआ, पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ, और मुझसे जो हिमाचल प्रदेश के नेता, छत्तीसगढ़ के नेता, इन्होंने मुझसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, और मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप दो तीन वायदे जनता से कीजिए, और जिस दिन आपकी सरकार बने, पहली कैबिनेट मीटिंग में उन वायदों को आप पूरा करके दिखाइए। वायदों में 6 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं लगने चाहिए। जो बड़े वायदे हैं उनको पहले ही दिन सरकार को पूरा कर देना चाहिए। भरोसे कोट नंतर आ भरोसे ईडेसलो 3 तिंगलू 6 तिंगलू आगबार्दु सरकार बंद तक्षणवे। और यही मैं कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं। हमने कर्नाटक की जनता से 4 वायदे किए हैं। गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर परिवार को, गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को, अन्नभागिया 10 केजी चावल हर परिवार के मेंबर को हर महीने, और सबसे जरूरी युवा निधि 3000 रुपए हर महीने कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए, और 1500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और इन वायदों को पूरा करने में 6 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं लगने चाहिए। ये वायदा पहले दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे हो जाने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका की जनता का और देश की जनता को सीधा मैसेज देना चाहिए, प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहिए कि अगर आप हजारों करोड़ रुपए अदानी जी जैसी कंपनियों को दे सकते हो, तो हम गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को पैसा दे सकते हैं। आपने दिल भर के अदानी जी जैसे लोगों की मदद की, हम दिल भर के कर्नाटक के गरीबों की मदद करेंगे, युवाओं की मदद करेंगे, महिलाओं की, युवाओं की मदद करेंगे। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी ने क्या काम किया, क्या काम किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 40% कमीशन खाया करवाने के लिए बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के युवाओं, कर्नाटक के महिलाओं से पैसा चोरी किया।
जो भी इन्होंने किया 40% कमीशन इन्होंने लिया। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि कर्नाटका में 40% कमीशन लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज तक चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। चिट्ठी का जवाब ना देने का मतलब कि प्रधानमंत्री ने यह बात मान ली कि 40% कमीशन कर्नाटका में लिया जाता है। स्कैम्स की लिस्ट है, स्कूल एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी, पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम हुआ, 80 लाख रिश्वत ली गई, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, इंजीनियर जॉब स्कैम, ये सब आपने सहा है। और जब मैंने ये बात पार्लियामेंट में रखी, जब मैंने अदानी जी के बारे में प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, पहले मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। मैंने क्या पूछा, प्रधानमंत्री जी आपका अदानी जी से क्या रिश्ता है? मैंने पार्लियामेंट में एक फोटो दिखाई, जिसमें नरेंद्र मोदी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिखते हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे वो अपने घर में बैठे हैं। मैंने पूछा क्या रिश्ता है, फिर मैंने सवाल पूछा कि हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं और एयरपोर्ट देने से पहले सरकार नियम बदलती है, नियम क्यों बदला, किसने बदला? नियम था कि एयरपोर्ट चलाने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है एयरपोर्ट चलाने में। मुंबई एयरपोर्ट उनके हवाले कर दिया गया, जिसका एयरपोर्ट था उस पर सीबीआई ईडी के केसेस लगा दिए और उससे एयरपोर्ट छिनवा दिया और अदानी जी के हवाले कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के नेता के साथ बैठे हैं, उसी मेज पे अदानी जी बैठे हैं, उसी मेज पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सीनियर मेंबर बैठे हैं और उसी के एकदम बाद स्टेट बैंक अदानी जी को हजारों करोड़ रुपए का बैंक लोन दे देता है। मैंने पूछा किसने करवाया? श्रीलंका में पोर्ट अथॉरिटी का एक चेयरमैन कहता है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उसे बताया कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अदानी जी की मदद करनी है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, उसके एकदम बाद अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, अदानी जी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, पोर्ट मिल जाता है। यह सवाल मैंने पूछे, मैंने पार्लियामेंट में पूछा, अदानी जी की शेल कंपनी है बेनामी, ये किसकी है, इसमें 20,000 करोड़ रुपए किसका है, यह सवाल मैंने पूछा। उसके बाद पहली बार इतिहास में सरकार ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। आमतौर से ऑपोजिशन पार्लियामेंट को रोकती है, पहली बार इतिहास में बीजेपी की सरकार ने, उनके मंत्रियों ने पार्लियामेंट को रोका। उसके बाद बीजेपी के मंत्रियों ने पार्लियामेंट में मेरे बारे में झूठ बोला। कानून में नियम है, सॉरी पार्लियामेंट में नियम है, अगर कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर के बारे में बोलता है तो उस मेंबर को पार्लियामेंट पे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, ये कानून है पार्लियामेंट का। मैंने स्पीकर को 2 चिट्ठियां लिखी, कहा कि देखिए ये मेरा हक है, मेरे ऊपर आरोप उठा रखा गया है, मुझे कहना है, मुझे जवाब देना है, बोलने का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद मैं स्पीकर के ऑफिस में गया, मैंने कहा स्पीकर सर मुझे मौका तो दीजिए, जवाब देने का मौका तो दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, आइए मेरे साथ चाय पीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। मैंने उनसे कहा स्पीकर सर आप तो स्पीकर हैं, आप पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, जो भी आप करना चाहते हो पार्लियामेंट में आप कर सकते हो, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? मुस्कुरा के मेरी ओर देखते हैं। उसके बाद वहां नहीं रुके, वो नहीं चाहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में अदानी जी की बात रखूं, वो डरते हैं। उसके बाद मुझे पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफाई कर दिया, ये सोचते हैं
कि पार्लियामेंट से मुझे हटाकर धमकाकर डरा देंगे। मैं नहीं डरता इनसे। मैं फिर से दोहराता हूं, प्रधानमंत्री जी आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है, और ये 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज में है वो किसके हैं, ये जो बेनामी पैसा है वो किसका है और कहां से आया? और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं रुकने वाला हूं। मुझे डिस्क्वालिफाई कर दो, जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदानी जी एक चिन्ह है, करप्शन के एक चिन्ह है। 21वीं सदी में एक व्यक्ति हिंदुस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़क, सारा का सारा उठा ले जाता है। हजारों करोड़ रुपए धन जादू से उनकी कंपनी में आ जाता है। सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी में चाइना का एक डायरेक्टर बैठा है। अदानी जी की शेल कंपनी में चाइना का डायरेक्टर है, बात समझिए। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा कि भैया आपकी कंपनी में चाइना का डायरेक्टर कैसे बैठा हुआ है, ये है कौन, किसने बैठाया इसको, क्यों बैठाया? और फिर ध्यान भड़काने की कोशिश करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, कहते हैं कि मैंने ओबीसी का अपमान किया। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम यह होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया, पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। भाइयों और बहनों, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ अदानी जी जैसे लोगों की मदद करते हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की मदद करेगी। मोदी जी ने बैंकों के दरवाजे अरबपतियों के लिए खोले हैं,
हम बैंक के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका की सरकार, गरीबों की सरकार, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की सरकार बनाएगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में एक होकर लड़ रही है। भाइयों और बहनों, पूरी मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी को यहां जिताना है। एक बात याद रखिए, बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वो 40% कमीशन वाले पैसे से सरकार को तोड़ने की कोशिश करें। जो पैसा आपसे चोरी किया उसी का प्रयोग करके फिर से आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात, कम से कम 150 सीटें कांग्रेस को आज जीतनी चाहिए। इसको कोई भ्रष्टाचार का मौका नहीं देना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं, आप निकलिए, जनता के बीच में जाइए और 150 सीटें यहां जितवाइए। धन्यवाद।